मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा में लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाले ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई है। करीब 30 ऑटो चालकों पर मुंब्रा पुलिस ने कार्रवाई कर ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया है और इन पर कार्रवाई भी की गई है। अक्सर देखा जाता है कि सुबह 8 से 11 बजे लोगों को अपनी ज़रूरतों के सामान लेने के लिए कहा गया है, मगर इसी दौरान कुछ ऑटो वाले सड़कों पर उतर जाते हैं। जैसे कि ये समय घर के ज़रूरतों के लिए दिया गया है, जैसे कि सब्जी, राशन या फिर और घरेलू सामानों के लिए 8 बजे से 11 बजे तक का ये समय दिया गया है, मगर इन ऑटो चालकों की वजह से उन ऑटो चालकों को भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है जो पेशेंट को अस्पताल ले जा रहे हैं सुबह के वक्त। मगर इन ऑटो चालकों की वजह से उन ऑटो चालकों को भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है जो पेशेंट को अस्पताल ले जा रहे थे सुबह के वक्त। कार्रवाई के दौरान दो अस्पताल जा रही महिलाएं, एक प्रेग्नेंट थी और एक बुजुर्ग महिला थी जो दवाखाना जा रही थी, इन्हें भी रोक लिया गया, मगर दूसरे ऑटो रिक्शा में बिठा कर पुलिस ने इन्हें दवाखाने भेज दिया। यानी कि जो बेवजह ऑटो चालक सुबह के वक्त निकलते हैं उनकी वजह से जो ऑटो चालक पेशेंट लेकर अस्पताल जाते हैं उन पर भी कार्रवाई हो जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 8 से 11 बजे तक घर के काम के अलावा अस्पताल या फिर और किसी काम के लिए निकले तब भी पुलिस कार्रवाई करती है, मगर पुलिस का कहना है कि जो बेहद ज़रूरी काम से जा रहे होते हैं उन्हें नहीं रोका जाता है। पुलिस ने लोगों को पुलिस का साथ देने को कहा है, यानी कि इस लॉकडाउन में पुलिस का समर्थन करें और घरों में ही रहें। मगर आज 30 ऑटो चालकों पर मुंब्रा पुलिस ने कार्रवाई की है और आगे भी बेवजह सड़कों पर चलने वाले ऑटो रिक्शा या अन्य वाहनों पर लॉकडाउन का नियम का पालन न करने वालों पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।